मौजूद हैं जम्मू पुंछ हाईवे पे। हम यहाँ से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते हमारी नज़र यहाँ पर कुछ लोगों पर पड़ी। ये लोग यहाँ पर झाड़ू बनाने का काम करते हैं। घर को साफ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है झाड़ू। आजकल वैक्यूम क्लीनर वाइपर का ज़माना है, लेकिन ये झाड़ू का मुकाबला उससे नहीं किया जा सकता। झाड़ू हर घर में होता है और बहुत ही ज़्यादा अहमियत घर में रखता है, और यहाँ पर ये कुछ लोग मौजूद हैं जो झाड़ू बनाने का काम करते हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे और जैसे हमारी नज़र इन पर पड़ी तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये अपनी आजीविका ये झाड़ू बनाकर कमाते हैं और किस तरह से यहाँ पर ये झाड़ू बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और ये मिलकर यहाँ पर झाड़ू बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ से आए, कब से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ये झाड़ू बनाया जाता है, कहाँ से घास लाई जाती है, कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें इनसे जानेंगे। फिलहाल आप देखिए किस तरह से यहाँ पर झाड़ू बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी। सांवरा। माफ कीजिएगा, सांवरा। सांवरंग जी, आप कहाँ से आए? राजस्थान, भीलवाड़ा जिला। राजस्थान से यहाँ पर आए हैं और कब से ये काम कर रहे हैं? सालों, हम तो यही धंधा करते हैं, खानदानी धंधा यही है। अच्छा, खानदानी धंधा आपका यही है। तो ये जो झाड़ू में आप ये घास यूज करते हैं, क्या होता है, किस तरह से झाड़ू को बनाया जाता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कैसे इसको बनाते हैं? इसे रबड़ से बांधते हैं और क्या, रबड़ से बांधते बेचते हैं। घास किसकी है, कहाँ से लेकर आते हैं? उसे राजस्थान से लेकर आया है। जब आप आए थे आप अपने साथ में ये घास लेकर आए थे वहाँ से, कितनी देर से यहाँ पर है? यहाँ पर अभी 10 दिन हुआ है, 5-7 दिन हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं? पहले एक बार आया था। तो यहाँ पर ये सब लोग जो है आपका परिवार है? हमारा परिवार ही है। और सारा परिवार मिलजुल कर यही काम करते हैं? करते हैं, सब यही काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या कीमत है, कितनी कीमत पे आप ये झाड़ू बेचते हैं और ये झाड़ू बाकी झाड़ू से कैसे बेहतर है? ये बेचते हैं 10-15 रुपए में बेचते हैं, वो छोटा वाला 10 रुपए में बेचते हैं। इस परिवार के और सदस्यों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण है मेरा नाम। क्या क्या काम करते हैं आप? झाड़ू का काम बनाते हैं। आप भी झाड़ू बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? मनाते हैं जैसे कैसे खजूर से पीछा लाके रबर मोल लाके और चीरते हैं, मनाते हैं। अच्छा लगता है आपको ये काम करना? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपके खानदानी काम है? हमारी खानदानी काम है, हमें ठेठ के ऐसे ही करता है। तो क्या चाहते हैं, बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं या यही काम आगे करना चाहेंगे? हमारे मम्मी पापा करेंगे जो करेंगे हम पे। अच्छा, जो मम्मी पापा कहेंगे आपने वही करना है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है? खेलना नहीं, काम करना अच्छा लगता है। काम करना अच्छा लगता है। कहाँ पे रहते, कहाँ पर है आप? राजस्थान। नहीं, यहाँ पर कहाँ पे रहते हैं? इधर ही रहते हैं, यहाँ पर डेरा तो इधर ही सोते हैं हम सारे, इधर ही सोते हैं। यहाँ पर कुछ और भी आपसे भी जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? कमला। कमला भाई मेरा नाम। कमला है, आप कब से ये काम कर रही हैं? ये झाड़ू का काम करते हैं। कब से कर रही हैं ये काम? माँ का वर्षा है क्या, मेरे खानदान में यही धंधा है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 10-20 हजार पीसा मल रहा है, धंधा कर रहा है, पेट गुदारा है रहा है, बच्चा बच्ची ने पालना है और क्या। यहाँ पर कुछ लोग भी, कुछ खरीदार भी यहाँ पर आए हैं जो यहाँ पर झाड़ू खरीद रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर आए। जी, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है संतोष कुमार। संतोष जी, झाड़ू खरीदने आए हैं यहाँ पर, क्या लगता है बाजार वाले झाड़ू में और उस झाड़ू में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, लॉन्ग लास्टिंग है इसके। इससे पहले भी आप यहाँ से झाड़ू खरीद कर गए, आज पहली बार आए? मैं यही झाड़ू ज्यादा यूज करता हूँ, यही झाड़ू। तो क्या आपको इनका काम पसंद है? मैं हूँ ओडिशा का हूँ ना, ये झाड़ू ज्यादा चलता है उधर। अच्छा। तो ये झाड़ू में हम ज्यादा यूज करते हैं इसको। अच्छा। ये लॉन्ग लास्टिंग है, एक झाड़ू ले लो 6 महीने चला जाता है। छह महीने चलता है।
इस समय जब कुछ लोग भीख मांग कर अपने दिन का गुजारा करते हैं, वहीं ऐसे में हमने आज आपकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से कराई जो मेहनत मजदूरी करके झाड़ू बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और ये लोग आपको भी मिलेंगे अगर आप जम्मू पुंछ हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइए और इन लोगों से झाड़ू खरीदिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि अपने लोकल उत्पादों को बढ़ावा दें, जहाँ पर आज के समय में हम घरों में सफाई के लिए वाइपर्स और बाकी ऐसी चीज़ों इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में हम इन लोगों को भूल गए हैं जो अपना गुजर बसर इस छोटे मोटे काम करके कर रहे हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों की मदद करें। अगर ये मेहनत से कमा रहे हैं तो हम अगर ये 10-20 रुपए का झाड़ू खरीदेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका घर का चूल्हा इससे जल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मंगोत्रा के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाज़त, और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।